नमस्कार, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का द्वितीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है संदर्भ धर्म। 1921 से पूर्व ये विश्वास किया जाता है कि वैदिक युगीन भारतीय सभ्यता प्राचीनतम है। जिसका जन्म ईसा से कई हजार वर्ष पहले हुआ, लेकिन 1921 में अचानक रावी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान से भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। इससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत सभ्यता के इतिहास की दृष्टि में विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष है। सैंधव्य सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटा और धोलावीरा जैसे स्थानों के उत्खनन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के एक विशिष्ट रूप प्रकट होता है, जिसके निर्माता नगरों में रहते थे जो प्राय नदियों के किनारे बसाए गए थे। इनका एक भाग दुर्ग के रूप में चार दीवारी से घिरा था। नगरों के अवशेषों में नगर वास्तु के अनेक तत्व दुर्ग प्रकार परिखा पक्की ईंटों से निर्मित सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भवनों के साथ साथ भौतिक जीवन पर प्रकाश डालने वाले अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें सोने चांदी मनकों से निर्मित आभूषण, लाल रंग के विभिन्न मृतपाण, तांबा और चांदी के पात्र, बाट बटखरे, बलुआ और चूने पत्थर, कांसे से निर्मित मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने, मातृ देवी की मूर्तियाँ, मिट्टी कि बैलगाड़ियों के नमूने मिलते हैं। यहाँ से विभिन्न नीचे के भाग में वृषभ, व्यास, घोड़ा, हाथी, एक श्रृंगी मगर जैसे पशुओं के चित्र बने हुए हैं। अन्य पुरातात्विक अवशेषों में ताम्र और कांसे के उपकरण तथा अस्त्र शस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। सैंधव्य धर्म का स्वरूप कैसा था ये देखना भी आवश्यक है। अनेक पुरातत्व विदों और इतिहासकारों ने सैंधव्य नगरों के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों, मृत फलकों, ताम्र फलकों, मुद्राओं पर उत्कीर्ण प्रतीकों, परवर्ती पौराणिक धर्म की पृष्ठभूमि में सैंधव्य धर्म के मूल स्वरूप की कल्पना करने का प्रयास किया। इन साक्ष्यों के आधार पर सैंधव्य धर्म के दो पक्ष प्रकट होते हैं, पहला सांप्रदायिक धर्म और दूसरा लोक धर्म। सैंधव्य धर्म के सांप्रदायिक पक्ष में दो देवताओं की पूजा की परंपरा की कल्पना की गई है। इसमें एक पुरुष देवता है जिसकी पहचान पौराणिक वर्णनों के आधार पर शिव से की है। दूसरे देवता को नारी के रूप में स्वीकार कर साधारणतः उसे मातृ देवी मानने का आग्रह किया है, लेकिन उसकी पहचान किसी परवर्ती पौराणिक देवी से नहीं की गई है। सिंधु धर्म का दूसरा पक्ष लोक धर्म है। संभवतः पशुओं और वृक्षों की पूजा की जाती थी। सांप्रदायिक धर्म में पशुपति शिव की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति आदि का हमें विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा लिंग पूजा भी सैंधव्य धर्म में की जाती थी। दूसरा है लोक धर्म। सैंधव्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष लोक धर्म है, जिसमें पशुओं और वृक्षों की पूजा की जाती थी। विश्व के सभी धर्मों में पशु और वृक्षों की पूजा की जाती है। सैंधव्य युगीन समाज में भी धर्म का यह पक्ष बहुत ही लोकप्रिय रहा होगा। सैकड़ों सैंधव्य मुद्राओं पर कुकुदमान, वृषभ, हाथी, गेंडा, व्याघ्र, एक श्रृंगी, घड़ियाल और बकरे जैसे पशुओं के अनेक चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं, जिसमें कुछ पशुओं का सम्मिलित आकार एक काल्पनिक पशु के रूप में मिलता है। वास्तविक पशुओं में भैंस, नीलगाय, बैल, हाथी, गेंडा, बाघ और छोटे सिंह वाले वृषभ का चित्रण मिलता है। सैंधव्य लोक धर्म में विशेष महत्व बकरे का था। दो मुद्राओं पर मानव आकृतियों के सम्मुख बकरे खड़े हैं। कुछ मुद्राओं में मानव आकृति का चेहरा ही बकरे जैसा है। इसी प्रकार वृक्षों का अंकन, विशेषतः पीपल का जीवन में बहुत बड़ा महत्व था। आयताकार मुद्राओं पर अनेक वृक्ष उत्कीर्ण हैं। एक मुद्रा पर उत्कीर्ण पीपल की टहनी के मध्य खड़ी आकृति मार्शल के अनुसार पीपल की आत्मा है। सात आकृतियां देवी के दूत है। भारत में चिरकाल से वृक्षों में देवी देवताओं के निवास की कल्पना की गई है। पीपल के वृक्षों को इस दृष्टि से सर्वोपरि माना जाता है। इस परंपरा
यह परंपरा सैंधव्य काल से चली आई है। अन्य वृक्षों में बबूल, शीशम, शीश, नीम और केले के वृक्षों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार जलकुंड के भी अवशेष मिले हैं। ये कुंड प्राचीन कुंडों के समान जल के स्थायी स्रोतों से संबंधित नहीं है। इसमें कुओं से जल भरा जाता है। निश्चय ही कुछ विशिष्ट पर्वों पर सार्वजनिक स्नान के लिए इसका उपयोग होता होगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सैंधव्य जल की पवित्रता को अत्यधिक महत्व देते थे। अन्य स्थानों पर इस प्रकार के अवशेष न मिलना इस बात का द्योतक है कि इस प्रकार के कुंड मोहनजोदड़ो नगर की ही विशेषता थी। अग्नि पूजा। सैंधव्य समाज का कोई पक्ष अग्नि पूजा या यज्ञ परंपरा में विश्वास करता था। इस प्रकार के धार्मिक विश्वास की कल्पना के साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि किसी कालखंड में सैंधव्य और आर्य साथ साथ रहे होंगे अथवा सैंधवियों के ही एक वर्ग वैदिक यज्ञ धर्म का अनुयायी था। इस विश्वास का आधार कालीबंगा से मिले कुछ ऐसे अवशेष हैं जिन्हें पुरातत्वविदों ने अग्निकुंड के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ पर दुर्ग के दक्षिणी भाग में कच्ची मिट्टी के चबूतरे बने हैं। आकार में सभी चबूतरे समान नहीं है। चबूतरों पर ऊपर चढ़ने के लिए सोपान या सीढ़ियाँ बनी हुई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन चबूतरों का संबंध किसी धार्मिक अनुष्ठान से है। एक चबूतरे पर आयताकार वेदी में कुछ पक्की ईंटें लगी हुई हैं, जिसे गोजातीय एवं मृग शंख की हड्डियां भी मिली है। एक चबूतरे पर एक पंक्ति पंक्ति में 7 आयताकार वेदिकाएं बनी हुई है। इस प्रकार की वेदिकाएं नगर के मकानों में भी मिलती है। दूसरी इसके अलावा कुछ कुंडों में कोयला और पके हुए मृतपिंड भी मिले हैं। एक मृतपिंड पर मानव द्वारा संभवतः बकरी की बलि दिए जाने का चित्र उत्कीर्ण है। दूसरी ओर देवता का चित्र बना है जिसके सर पर श्रृंगा मुकुट है। इस प्रकार के कुंड अमरी और लोथल में मिले हैं। इसकी उपस्थिति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हो रही है हो रही हो असंभव्य नहीं है। सैंधव्य धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इस प्रकार तात्कालिक अन्य सभ्यताओं के विकसित धर्म की तुलना करने पर सैंधव्य विशिष्ट प्रतीत होता है। जैसा कि सुविदित है कि तात्कालिक धर्म में समान धर्म के समान सुमेरियन धर्म बहु देववादी था। अनिल एनकी और निसहा के अतिरिक्त अनेक देवता समूह के सैकड़ों देवता थे। सुमेरियनों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की थी जो आचार व्यवहार में मनुष्यों के ही समान थे। इसी प्रकार मिश्र के निवासी भी प्राचीन काल में बहुदेववादी धर्म में आस्था रखते थे। वे किसी प्राकृतिक अवयवों को देवी सत्ता से संपन्न मानते थे। अनेक देवताओं में सूर्य का सर्वोपरि स्थान था। यूनानी देवताओं की मानव रूप भी धारी थे जिसका अधिनायक था आकाश देवता। वे भी असंख्य गौण देवताओं, देवियों, जल देवियों, अप्सराओं, दैत्यों और राक्षसों में आस्था रखते थे। परंतु सैंधव्य धर्म इन सभी प्राचीन धर्मों की धारा से हटकर विशिष्ट धर्म दिखाई देता है। यहाँ न तो प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण हुआ न ही देव श्रृंखला का निर्माण हुआ। यहाँ तो प्रारंभ से एक देवता पशुपति शिव का ही वर्चस्व दिखाई देता है। यही सैंधव्य धर्म की अपनी निजी विशेषता है। इति आज इतना ही। नमस्कार।